Where did the motivation come from? कहाँ से आई? From my parents. From your parents, okay. Undoubtedly. ठीक है. And from stories of my grandfather. Okay. Who died while I was very young, so I don't remember him very much. But. तो ये stories कौन सुनाता था आपकी family? ये सारी फैमिली फोकलोर की हिस्सा थी. माय ग्रैंडफादर चौधरी बावल बख्श वाज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम ए बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात दैट सेंट हिज ओनली चाइल्ड हिज सन टू अलीगढ़. पढ़ाने का उनको शौक था. खुद पुलिस सर्विस में रहे थे और फिर वाइसरॉय की सेंट्रल काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी 1922 में मेंबर बने. एंड ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट और अंग्रेज से कभी मरूब नहीं होते थे. बहुत सारे वाकयात किस्से चौधरी बावल बख्श के सुनाए जाते हैं. माय फादर अगेन एंड माय मदर दे वर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट और दादा मेरे वालिद मेरे मेरी वालदा और मैं एक साल का था. वालदा की गोद में हम चारों इस मूवमेंट में तहरीके पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए. अच्छा. तो वालिद मेरे ने सरकारी मुलाजमत छोड़ के ही वाज पोस्टेड इन मरी वेयर आई वाज आल्सो बॉर्न. वो छोड़ के और तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया. और ये जो लीडरशिप क्वालिटीज आई मीन अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज ड्यूरिंग द मूवमेंट आपने डिस्प्ले की. आई मीन यूनाइटेड सो मेनी पीपल आउट देयर. नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी यू नो टू बी अ ह्यूज सक्सेस. और एज पर द न्यूयॉर्क टाइम्स हो सकता था ये पूरी चीज़ जो है इन अदर सुप्रीम कोर्ट में जाके एंड हो जाती. हैड इट नॉट बीन फॉर योर लीडरशिप द वे यू गाइडेड एंड द वे यू टुक इट अक्रॉस. तो बचपन में भी आप में ये लीडरशिप स्किल्स थे व्हेन यू वर इन एट्स इन कॉलेज? नहीं, मेरे में ये लीडरशिप स्किल्स तो मेरा ख्याल है आज भी नहीं है. मैं लोगों को माइल करने की कोशिश करता हूँ, लीड करने की कोशिश नहीं करता हूँ. Okay. और इस लीडरशिप में भी बहुत से लीडर्स थे. मेरा किरदार अगर किसी हद तक मुनफरिद है तो वो यही है कि बजाय ये कि मैं लीड करूँ और खींच के लोगों को लेके जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको साथ रख के. और इस लॉयर्स मूवमेंट में तो बड़ी दुश्वारी थी कि हर ख्याल के, हर मसलक के, हर मजहब के, हर सियासी जमात के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर जबान बोलने वाले, हर इलाके से लोग, बलूचिस्तान से लाहौर तक और खैबर से कराची तक, हर इलाके के लोग, हर जबान बोलने वाले इस मूवमेंट में, इस तहरीक में शामिल हुए. और इन सबको एक सतह पर लाना और अपने साथ रखना, ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम था. दो मुकम्मल साल, मार्च 2007 से मार्च 2009 तक. लेकिन इसमें मैं तन्हा नहीं था, बहुत से और काबिले ज़िक्र नाम भी हैं, दोस्त भी हैं. सो बेसिकली जो पूरी लीडरशिप थी दैट वाज मोर ऑफ पार्टिसिपेटरी इन नेचर. जी जी, ठीक है. सबको साथ लेके पार्टिसिपेशन से ही मेरा ख्याल है कामयाबी होती है. और ये शायद पाकिस्तान में और बिलखसूस जो मगरबी पाकिस्तान था मशरकी को छोड़ के, ये पहली जामे एतबार से कामयाब तहरीक जिसका एक मकसद था अदलिया को बहाल करना. जो उस मकसद की तरफ चली तो थोड़े से लोग थे, लेकिन जब मंजिल तक पहुंची तो सारा समुंदर था आवाम का और लोगों का. जब ये मकसद की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली अदलिया को बहाल करनी थी. इसके अलावा क्या प्रायोरिटीज़ थी कि उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जिस बात की कमी रही है और आज भी शायद है, लेकिन कुछ आज उम्मीद नज़र आती है कि उसमें उस कमी को पूरा किया जा सके, वो सिर्फ जम्हूरियत की नहीं थी. जमहूरियत जो होती है वो एक ऐसा निज़ाम है कि आपने 2008 फरवरी 2008 को वोट डाले तो उसके बाद आपको कहते हैं अब आप ज़बान बंद रखें,
खामोशी से सोते रहें, 5 साल बाद आप फिर उठें, घर से निकलें और 2013 फरवरी में जाके वोट डालें, और जिसको हमें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दें। ये दलील दी जाती है, ये जमहूरियत की दलील। लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो कानून की हुक्मरानी की, रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत 5 साल एहतसाब है, रूल ऑफ लॉ जो है ये मुसलसल मुतवाकर एहतसाब है। सही। और जमहूरियत भी वहीं कामयाब हुई है जहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत किसी मुल्क में कामयाब हुई नहीं। जहाँ अदालतें आज़ाद नहीं और ख़ुद मुख्तार नहीं, वहाँ जमहूरियत कामयाब हुई ही नहीं, नहीं हो सकती। अब इंडिया देख लें, इतना बड़ा मुल्क है, हमारे से ज़्यादा मसाइल हैं, इतना दिफा पे, डिफेंस पे इतना खर्चा करता है, गुर्बत है, 14 तो उनकी सरकारी जबानें हैं लेकिन कोई सैकड़ों जबानें हैं, रंग, नस्ल, मजाहब, हर किस्म के मजाहब हैं वहाँ।